अज़बी शैतान रजिम बिस्मिल्लाम देखती आँखों और सुनते कानों को सैफ मुश्ताक चाचड़ की तरफ से असला वरम उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुश होंगे अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे ये देख सकते हैं कि ये एक डी सी डोमेस्टिक पम्प चल रहा है इससे पहले मैंने इसी पम्प की आपको वीडियो बना के दिखाई थी जो कि वो अनबॉक्सिंग की वीडियो थी आज उसी वीडियो का पार्ट टू मैं बना रहा हूं जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के एंड में कहा था कि मैंने आपको इसकी वर्किंग वीडियो दिखानी है तो ये असली पंजाब का पंप था ये आपकी आपके सामने पैकिंग है आप देख सकते हैं कि आज मैंने इसकी आपको वर्किंग वीडियो दिखानी है तो आप देख सकते हैं कि ये पंप हमने इंस्टॉल कर दिया है ये पंप जेर जमीन खड़ा है आप देख सकते हैं ये चार इंच का पाइप है एक दोस्त ने एक सवाल किया था कि ये पंप कितनी इंच के पाइप के अंदर जा सकता है तो ये आप जो अक्सर सनेट्री के लिए यूज़ करते हैं जो गटर लाइन बिछाने के लिए जो चार इंच का पाइप यूज़ करते हैं ये वही पाइप है आपने चार इंच का पाइप लेना है और इसको जेर ज़मीन जाने देना है ये पीवीसी पाइप आपके सामने लगाया गया है इस पीवीसी पाइप के साथ मोटर नीचे चला गया है जो कि तकरीबन दस से बारह फीट नीचे खड़ा है आप पानी का प्रेशर देख सकते हैं आपके सामने इसका पानी का प्रेशर आ रहा है इसकी जो बाकी आप स्पेसिफ़िकेशन देख लें यहाँ पर हमने जो केबल इस्तेमाल किया है वो चार एम एम का पेंथर कंपनी का केबल है जो कि ओरिजिनल कापर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं पंप भी आपके सामने चल रहा है यहाँ पर हमने किसी किस्म की बैटरी वगैरह नहीं लगाई हुई और अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम भी इस वक्त थोड़ा ढीला है ज़्यादा रोशनी का स्ट्रोक अच्छा नहीं आ रहा फिर भी ये पंप बड़े बेहतरीन अंदाज से पानी हमें मुहैया कर रहा है तो यहाँ पर सोगो कंपनी के सोलर पैनल लगाए गए हैं सोगो कंपनी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और अगर इसकी करंट प्रोड्यूसिंग की बात की जाए तो बाकी तमाम सोलर पैनल की नस्बत इसकी करंट प्रोड्यूसिंग बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल लगाया है दो वाट का एक सोलर पैनल है यहाँ पर दो सोलर पैनल हमने इस मोटर के साथ लगाए हैं काफी सारे पंप होते हैं जब जमीन के अंदर लगाए जाते हैं तो ऊपर जब हम तारें जोड़ते हैं कभी हम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ देते हैं नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है जो कि यह सिस्टम वर्म वाला होता है तो उल्टा चलने की वजह से इस मोटर का वर्म खुल जाता है जिसकी वजह से हमें इस मोटर को निकालना पड़ता है फिर इसका मसला हल होता है तो ये जो पंप है मैंने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर एक पोलैरिटी किट लगाई जाती है ऊपर से हम चाहे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दें नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दें तो इसके साथ हमें जब पोलैरिटी सीधी लगेगी यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगेगा तो ये पंप चलेगा अगर पॉजिटिव के साथ हमने नेगेटिव लगा दिया तो ये पंप सिरे से चलेगा ही नहीं गया है ये आप फार्म हाउस देख रहे हैं यहाँ पर घास वगैरह भी उगाया गया है ज़्यादातर इस पंप का मकसद है यहाँ पर जो सब्ज़ी उगाई गई है इसको सैराब करना तो यही एक पंप इस सारी सब्जी को सैराब कर सकता है और बात कर लें इसकी बोरिंग की तो यहाँ पर बोरिंग 160 फुट जितना गहरी की गई है बाज़ दफ़ा दोस्त पूछते हैं कि आपने 160 फुट से पानी उठवाया हुआ है तो ऐसी बात नहीं है हमने बोर 160 सौ फिट किया हुआ है हमारे इलाके का जो वाटर लेवल है वो 25 से 30 फुट है तो दोस्तों आपने इस पंप की सारी वर्किंग देखी है इससे पहले एक दोस्त ने पूछा है कि इस पंप की कीमत क्या है मैंने पहली वीडियो में आपको कीमत नहीं बताई थी तो पंद्रह हज़ार रुपये का ये पंप हमने ले कर यहाँ पर लगाया हुआ है किसी दोस्त ने अगर ये पंप लेना है तो असली पंजाब का पंप आप लेना है अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग आपके सामने है अनबॉक्सिंग भी मैंने आपको करके इसकी दिखाई थी तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन वीडियोस लेके आता हूँ तो मेरे चैनल सैफ मुश्ताक चाचड़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तो मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफ़िज।